नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची भारद्वाज। भारत छोड़ो आंदोलन के 79 वर्षगांठ पर बिहार कांग्रेस सेवा दल की ओर से कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम से शहीद स्मारक स्थल तक तिरंगा मार्च निकाला गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्मारक स्थल पर शहीदों के स्मारक पर माल्यार्पण कर मार्च खत्म हुआ। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि हमने आज सभी शहीदों को नमन किया और श्रद्धांजलि दी, जिनकी बदौलत आज हमें आज़ादी मिली है, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। आज पुनः उसी लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए आज राहुल गांधी के नेतृत्व में हम यह शपथ भी लेते हैं कि जो आज़ादी इन क्रांतिकारियों की कुर्बानी से मिली है, उनकी रक्षा के लिए एकजुट होकर उन्हें जिंदा रखने का पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग क्रांति दिवस के अवसर पर सेवा दल के तत्वाधान में सदाकत आश्रम से लेकर के शहीद स्मारक तक पद यात्रा किए हैं और अपने शहीदों को नमन किए हैं, उसे उन्हें स्मरण किए हैं, जिनके बदौलत आज हम आज़ादी प्राप्त किए, जिनके कुर्बानी के बदौलत हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। आज पुनः उसी लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न हो गया है। हम आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह शपथ लेते हैं जो हम जो आज़ादी मुझे इन क्रांतिकारियों को उसके कुर्बानी से मिली है, उसके रक्षा के लिए हम सभी कांग्रेस जन एक होकर के उसे जिंदा रखने का पूरा प्रयास करेंगे। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द बिहार 24 न्यूज। हमारी खबरों को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।